राज्यपाल कलराज मिश्र ने विकसित भारत 2047 के लिए विश्वविद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाने के साथ ही वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शैक्षिक गुणवत्ता शोध अनुसंधान की मौलिक दृष्टि के साथ अपने आप को इस तरह से विकसित करें कि विदेशों से अभिभावक अपने बच्चों को भारत पढ़ने के लिए भेजने हेतु उत्सुक रहे। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प के लिए उस शिक्षा से जुड़े युवाओं को आगे आकर महती भूमिका निभाने का आह्वान भी किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को राजस्थान विश्वविद्यालय के 78वें स्थापना दिवस पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय वह स्थान है जहां से ज्ञान के बीज अंकुरित होते हैं, यहीं से हमारी युवा पीढ़ी भविष्य में कुछ बनने के लिए आती है और स्वप्न सजोकर जाती है। उन्होंने कहा कि आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद अमृतकाल में न केवल हमें विकास के लिए निरंतर कार्य करना है बल्कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा लैंगिक असमानताओं को दूर कर तेजी से आगे बढ़ने की भी जरूरत है। देश के विश्वविद्यालयों को इसका संवाहक बनना चाहिए। मिश्र ने राजस्थान विश्वविद्यालय के गौरव में इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय को भविष्य का ऐसा रोडमैप बनाने के लिए भी जागरूक होना पड़ेगा जिससे यहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध की मौलिक दृष्टि के साथ युवा उद्यमिता विकास के लिए प्रभावी कार्य कर सके। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विश्वविद्यालय शिक्षा के जरिए युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को लिए जल्द ही प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। वहीं सांसद रामचरण बोरा ने नई शिक्षा नीति के साथ विकसित भारत के लिए चुनौती को अवसरों में बदलने की बात कही। विधायक और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने विश्वविद्यालय से अपने जुड़ाव की स्मृतियां साझा करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाए जाने के लिए मिलकर कार्य करने पर जोर दिया। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने विश्वविद्यालय के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों और स्थापना दिवस पर भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया। राज्यपाल मिश्र ने आरंभ में सभी को संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया और मूल कर्तव्य पढ़कर सुनाए। इससे पहले राज्यपाल मिश्र ने विश्वविद्यालय के मानविकी पीठ के नवीनीकरण के लिए हुए कार्य का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि मानविकी मानव अध्ययन से जुड़ा क्षेत्र है। इसके अंतर्गत भारत के गौरव में अतीत से प्रेरणा लेते हुए भविष्य की उज्जवल दृष्टि पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि हमारे 78वें स्थापना दिवस पर हमें माननीय कुलाधिपति, उच्च शिक्षा मंत्री, माननीय सांसद और माननीय विधायक जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। ऐसे मौके पर उन्होंने जो यथासंभव विश्वविद्यालय के लिए सहयोग करने का हमें आश्वासन दिया है, हम उससे बहुत ही आह्लादित भी हैं और आशान्वित भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमें कई सारी जो विश्वविद्यालय की कमियां हैं उसे पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे। मैं आपको बताऊं कि अभी बजट के पहले जो चर्चाएं होती है उसके लिए प्रस्ताव ऑलरेडी हम बना करके एक बार चर्चा कर चुके हैं और प्राथमिकताएं जैसे कि मैंने बताया अपने उद्बोधन में भी, रिक्तियां भरने, नैक करवाने, एनईपी लागू करने, ये हमारी प्राथमिकता पर है। और क्योंकि नैक करवाना है तो सबसे पहले हमें हमारी कमियाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमारी टीचर्स की, रिसोर्सेज की जो कमियाँ हैं उसको पूरा करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। दीक्षांत समारोह नहीं होने के कुछ कारण रहे कि हमारी डिग्रियां और गोल्ड मेडल तैयार नहीं हो पाए क्योंकि सही समय पर उसके लिए टेंडर नहीं किया गया, फिर आचार संहिता लग गई और हमने बहुत शॉर्ट टर्म टेंडर किया भी तो हमें उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन जल्दी हम उसे भी करेंगे। नई डेट्स लग गई हैं और डेट शीट ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुकी है। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोगों को मैं बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 2 साल के समय से नहीं हो पाया था लेकिन उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और फरवरी के पहले सप्ताह में ही उसके हम करने जा रहे हैं, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कुछ करने में, रिसोर्सेज जुटाने में, स्पेशली ऐसे रिसोर्सेज जुटाने में कुछ समय जरूर लगेगा लेकिन उसके लिए हम कृत संकल्पित हैं और वो जल्दी ही हम करेंगे, जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा था क्योंकि नेक के लिए भी हमें वो सब चाहिए तो वो हम जरूर करेंगे। देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय से मेरा आत्मिक संबंध रहा है। मैंने मेरी छात्र राजनीति यहीं से प्रारंभ की और फिर राजनीति में पदार्पण किया, इसलिए मेरी ड्यूटी है। और फिर मेरे विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान विश्वविद्यालय, इसलिए यहाँ के लिए तो जितना दिया जाए उतना कम है। इसलिए मैंने, वीसी साहब ने कहा कि कंप्यूटर की कमी है तो मैंने 20 लाख रुपए
कंप्यूटर के लिए यहाँ पर आवंटित किए हैं विधायक को से। पिछली बार महेश जोशी जी ने भी 20 लाख रुपए की घोषणा की थी लेकिन वो आज तक विश्वविद्यालय को नहीं मिले। मेरे को आप कंपेयर मत करो, वो जाने वाले हैं, हम आने वाले हैं। कर्णपुर के परिणाम आए मंत्री बनाने के बावजूद भी भाजपा सीधा। अब ये तो पूछो जिन्होंने मंत्री बनाए, मुझे क्यों पूछते हो।